10 लाख के अंदर के डायमंड नेकलेस के बारे में बात करने जा रहा हूँ। हमें किसी ने हैदराबाद से रिक्वेस्ट भेजी थी कि उनको 10 लाख का नेकलेस बनाना है, तो हमने एक एस्टिमेट प्रिपेयर किया जिसमें हम डायमंड की सप्लाई होलसेलर्स के पास से करने वाले थे जो मुंबई में स्थापित है, जिससे उनके काफ़ी पैसे बच सकते हैं और हमारे इंस्पेक्शन के ज़रिए वो काफ़ी बेटर क्वालिटी खरीद सकते हैं। तो हमने उनको दो तीन वेरिएशन उनको चॉइस दी, जैसे BVS में D2F कलर में, GH कलर में, BS में D2F कलर में, GH कलर में। सो करीबन 5 से 6 कॉम्बिनेशन डायमंड्स के हमने उनको एस्टिमेट दिए। उसमें गोल्ड का भी हमने चॉइस दिया उनको, जैसे वाइट गोल्ड, येलो गोल्ड, रोज गोल्ड, मैट ग्लॉस फिनिश, और उन्होंने वो एस्टिमेशन को काफ़ी कंपेयर किए अपने लोकल ज्वेलर्स के साथ और बहुत ताज्जुब हो गए थे कि इतना रीजनेबल, इतना बेटर क्वालिटी कैसे बन सकता है। तो इसका सिंपल रीज़न यही है कि होलसेलर से सप्लाई किया, सोर्स किया है और हमारे इंस्पेक्शन ने बेटर क्वालिटी खरीदा है। तो उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, हमने उनको 10 से 15 दिन में बना के सिक्योरली शिप किया है, साथ में उसकी सर्टिफिकेट भी भेजी है, जैसे IGI की सर्टिफिकेट। और तो ये है 3 सिंपल स्टेप, 10 से 15 वर्किंग डे में आप कैसे काफ़ी पैसे बचा सकते हैं और बेटर क्वालिटी खरीद सकते हैं। ये है सिर्फ और सिर्फ ऑल योर स्वेल्स के थ्रू। अगर आपको ऐसी कुछ चीज़ बनानी है तो मैं आपकी रिक्वेस्ट का इंतज़ार होगा। थोड़ा आइडिया देने के लिए आपको कि ज्वेलरी में क्या होता है, तो करीबन 80% जो आपका बजट है वो डायमंड के पीछे आता है, 10 से 15% गोल्ड के पीछे और 5 से 10% मेकिंग चार्ज के पीछे। तो डायमंड सही जगह से खरीदना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब आपके एक रिक्वेस्ट का इंतज़ार होगा जैसे मैंने। धन्यवाद।